अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हैरिस कुमैल हैदर। जी बच्चे, तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे तो इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा बच्चे, जी जी बेटा, यस बेटा, बस ठीक है, आपका क्लियर हो गया बेटा, कैमरा भी सेट हो गया है, बस ठीक है बेटा, क्लियर हो गया है। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था अबाउट द फर्स्ट टॉप फर्स्ट चैप्टर, या आप कह सकते हैं केमिस्ट्री के हवाले से। सर काइंडली बता दें क्या लेक्चर होगा बेटा, लेकिन वो अभी मुझे नहीं पता कि क्या स्केड्यूल है मेरे, सिर्फ मुझे अपने सब्जेक्ट का पता है, वो मैंने आपको पढ़ाना है। जी 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 बिल्कुल, ऑब्वियसली। अच्छा जी, अब आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, अब आप ज़रा लेक्चर पर फोकस करें, क्योंकि हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है बेटा, वो भी आपके पास जी जी, वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मैटर। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम मैटर्स के हवाले से डिस्कस किया था कि मैटर हमारे पास वो तमाम सब्सटेंसेस है, ये वो मैटर हम किसे कहेंगे बेटा, एनी थिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, दैट इज टू बी नाउन एज मैटर। ठीक है बच्चे, बेटा आप आपस में बातें ना करें, अब आपस में बातें ना करें बच्चे, वरना मैं चैट हाइड कर दूंगा, फिर आपके जो आप फिर क्वेश्चन भी नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपना आपस में बातें ना करें, लेक्चर पे फोकस करें। लेक्चर के बाद आप लोग जितने मर्जी चाहे बातें करने कर सकते हैं बेटा, लेकिन लेक्चर के दौरान आपस में बातें ना करें, ठीक है बेटा। जवाना बेटा, हानिया और पता नहीं कौन है साथ, ठीक है। तो मैटर के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं बेटा, कि दैट इज आज हम ज़रा केमिस्ट्री को ज़रा पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद आज का आपका जो लेक्चर होगा वो टोटल अबाउट, आज का जो आपका लेक्चर होना है वो स्टोइकोमेट्री के ऊपर है, तो आज हमने वो भी पढ़ना है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करना है, जो लास्ट टाइम रिमेनिंग रहता था हमारा, वो हम आज डिस्कस करेंगे जी। तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है, इसको मैं ज़रा कुछ कैटेगरीज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा बच्चे, और फिर प्रॉपर डेफिनेशन भी हम इसमें साथ लिख देंगे, ठीक है बच्चे। केमिस्ट्री क्या है बेटा, याद रखिएगा, हमने पहले बात की बेटा कि मैटर क्या है, ठीक है, तो हमने कहा कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम अ स्पेस। तो बेटा आप केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे बाय सम पॉइंट्स, विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट्स, ठीक है बच्चे, दैट इज नंबर 1, 2, 3 और अबाउट 4 पॉइंट्स पे हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, That is the chemistry deal with the study of composition of matter. अब हमें पता है matter क्या चीज़ है, हमने बड़ी detail में discuss किया matter को, उसके types को भी हमने discuss किया बच्चे, आज हम उसी को आगे continue करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, chemistry deal करती है composition of matter, ठीक है बेटा, properties of matter, और याद रखिएगा ये प्रॉपर्टीज बोथ केमिकल एज वेल एज फिजिकल, इसमें दोनों प्रॉपर्टी शामिल है, एक आपके पास केमिकल भी है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन मैटर, ऑब्वियसली जो हमने पहले डिस्कस किया था, और लॉस और प्रिंसिपल विच गवर्न इन दिस चेंजेस जी। अब जरा आप इसको जरा अंडरस्टैंड करें, इसके बाद हम प्रॉपर डेफिनेशन यहां पे मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा बेटा। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है द कंपोजिशन ऑफ अ मैटर, मैटर की क्या कंपोजिशन है, ठीक है बेटा, उसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपके पास उसके केमिकल क्या प्रॉपर्टीज होंगे, फिजिकल क्या प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है बेटा, एंड चेंज इन मैटर, और इन्हीं मैटर के अंदर जो चेंजेस आती है वो, एंड द लॉस आर प्रिंसिपल
और वो लॉस और प्रिंसिपल जो इन मैटर के जो मैटर में जो चेंजेस आ रही है इन पे लागू होगा, जो लागू होता है उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम इसकी डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नंबर वन कंपोजिशन ऑफ मैटर, में साथ साथ लिख देता हूँ, चले आपको याद रखने में ऐसा नहीं होगी बेटा, मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंज इन मैटर, एंड द लॉस और प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स विच गवर्न इन दीज चेंजेस, दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है बच्चे, केमिस्ट्री क्या है बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंज इन मैटर, एंड द लॉस और प्रिंसिपल विच गवर्न इन दिस चेंजेस, दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है बच्चे, अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद, ये प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा, आप लोगों ने इसको अपने नाम के स्पेलिंग की तरह याद रखना है बेटा, ये आपके पास स्पेसिफिक डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखनी है। पुराने जमाने में, ओल्ड हिस्ट्री में अगर आप देखें तो पुराने जमाने में सिर्फ स्टडी ऑफ मैटर को केमिस्ट्री कहते थे, द स्टडी ऑफ मैटर ओनली। बाद में इसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गए बेटा, जिसमें आप मजीद डिटेल में कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, चेंज इन मैटर के बारे में, और डिफरेंट लॉस और प्रिंसिपल्स हैं जो इन चेंजेस के ऊपर लागू होते हैं, उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक हो गया बच्चे, अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी बेटा, कि अब इसी से आगे हम एटम को जरा स्टार्ट करते हैं, एटम क्या चीज है, इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। एटम क्या है बेटा, जरा देखिए, अब आपने एक बात याद रखनी है, आप आज जो चीज पढ़ेंगे एटम के बारे में, ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द एटम होगा। देखिए, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एटम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो आज आपको यहां से भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, उनको आपने अच्छी तरह याद रखनी है। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, चलो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे जगह नहीं होगा। एटम क्या चीज है जी बेटा, व्हाट इज एटम, बताएं जरा जल्दी से, एटम किसे कहेंगे बेटा जी, व्हाट इज एटम, हाँ जी बच्चे जल्दी बताएं बेटा, मुझे जल्दी बताएं, एटम किसे कहेंगे, व्हाट इज एटम। The word chemistry is derived from Greek language बेटा, basically मैं आपको बताना चाह रहा था, चले मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, शवाना बेटा, केमिस्ट्री जो वर्ड है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का है, ग्रीक वर्ड है। बेसिकली इसकी हिस्ट्री में यही बात लिखी हुई है कि भाई केमिस्ट्री नाम इसलिए रखा गया था कि जो ग्रीक है वहां पे उनका जो सॉइल का कलर है उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया था केमिस्ट्री, उस सॉइल का कलर, सॉइल का नाम है या सॉइल का कलर है, इस तरह इसकी हिस्ट्री बता रहे कि जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज है और वो उनके सॉइल के कलर से रखा गया था। ये हिस्ट्री है, इसके अंदर कितने ऑथेंटिक बात है इसमें मुझे इतना ज़्यादा आई डोंट नो, लेकिन जो मैंने जो चीज़ मेरी नॉलेज में है, जो मैंने पढ़ा था, उसमें यही बात लिखी हुई थी कि भाई जो केमिस्ट्री जो वर्ड है वो बेसिकली द कलर ऑफ द सॉइल उस बेस पे रखा गया था, ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है, वहाँ से ये रखा गया। ठीक है बच्चे, तो ये इसलिए इसको हम यहाँ पे अब तो हम केमिस्ट्री के नाम से ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है बच्चे, बहरहाल हिस्ट्री यही है कि सॉइल की कलर की वजह से उसको, जो सॉइल का कलर था या सॉइल था उसको केमिस्ट्री कहते थे या कलर ऑफ द सॉइल केमिस्ट्री कहते थे, उसके एग्जैक्ट मुझे ऑथेंटिक याद नहीं है, लेकिन बात यही थी कि उनके सॉइल से रिलेटेड कोई बात थी जो उन्होंने वहाँ से इसका नाम केमिस्ट्री रखा गया। ठीक है बच्चे, ये अर्ली हिस्ट्री की बात हो रही है, बहुत पुरानी बात है ये। ठीक है बच्चे, हाँ जी, तो एटम किसे कहेंगे बेटा, एटम इज द वेरी गुड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, बेटा एलिमेंट की हम अब बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा एटम आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एटम्स के अंदर सॉरी दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स नहीं, दो पार्ट्स हैं। ठीक है, यहां पे चलें पहले डेफिनेशन लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज एटम. वो अल्केमी है बेटा, जो आप कह रहे हैं ना अरेबिक वर्ड के बाद जो कर रहे हैं वो अल्केमी है. केमिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड है, अल्केमी इज बेसिकली अरेबिक वर्ड. बाद में पहले केमिस्ट्री को अल्केमी कहते थे, अल्केमी, ठीक है. अल्केमी से फिर उसको बाद में चेंज कर दिया गया केमिस्ट्री के नाम से, रिप्लेसमेंट हुई है बेटा शबाना. बात तुम सही कर रहे हो. अरेबिक में पहले जो है, सबसे पहले जो केमिस्ट्री को हम जो है पुराने जमाने में अल्केमी कहते थे, ठीक है. अल्केमी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा अल्केमिस्ट क्या चीज थे, ठीक है. अल्केमी वहां से बेसिकली जो अल्केमी है वो अरेबिक वर्ड है. अल्केमिस्ट वही लोग थे जो इंफीरियर मैटर को सुपीरियर मैटर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है बच्चे. शबाना बेटा वो अल्केमी है, जो आप कह रहे हैं ना कि अरेबिक वर्ड है वो अल्केमी है. बाद में इसको उन्होंने नाम चेंज कर दिया. ये केमिस्ट्री बेसिकली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज है, ये अरेबिक नहीं है, ठीक है. अरेबिक अल्केमी है जी जी. अच्छा जी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. मतलब आपके पास क्या है बेटा, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो कि आपके पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन ये हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपना हिस्सा देंगे. इसके बगैर केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली टेक्स प्लेस नहीं हो सकता. जो भी केमिकल रिएक्शन है उन तमाम को प्रोसीड करने में, उन तमाम को आगे जो है कैरी करने में इन्हीं एटम का हाथ होता है. यही एटम डिसाइड करता है कि उसने कैसा रिएक्शन करना है. उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो किस टाइप के रिएक्शन देंगे. और ऑब्वियसली हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो है, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करते हैं आगे. तो आप हाउ स्पीड और अ स्लो अ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, ये बेसिकली इन्हीं एटम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इन एटम्स की क्या नेचर है, ठीक है बच्चे. हम पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे चीज़ों को. अभी आपका भी तो स्टार्ट हो गया, अभी इन चीज़ों को हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है बच्चे. एटम के अंदर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट एटम के दो पार्ट्स हैं, ठीक है बच्चे. एक पार्ट का नाम है बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये शायद आपने कभी नहीं सुना होगा बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है. और एक है न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है बेटा. एटम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, आजकल की मैं बात कर रहा हूं जो मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट केमिस्ट्री. तो एटम हमारे पास, एटम के दो मेन पार्ट्स हैं. एक पार्ट को हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और एक को हम कहेंगे न्यूक्लियर पार्ट. याद रखिएगा जो न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर आपके पास जो चीज शामिल है वो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इसकी बात होगी, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम की बात होगी इसमें. लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है एटम का, दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, ठीक है बेटा. जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको हम शामिल कर लेते हैं इसमें बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में. याद रखिएगा, यहां से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं बच्चे. यहां से आपको कभी कभार इस तरह के कोई आपको कम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई किसी एंट्री टेस्ट के हवाले से अगर आप बात करें तो यहां से इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं. मैंने आपको कल भी कहा कि फेडरल बोर्ड में एफएससी करने का फायदा यह होता है कि बच्चा एमकेड और ईकेड में अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि जो एमकेड आपका और ईकेड का जो सिलेबस होता है वो सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक को एकोमोडेट नहीं करते, वो एओ लेवल को भी एकोमोडेट करते हैं. लेकिन आपका जो फेडरल बोर्ड की जो केमिस्ट्री है, जो नेशनल बुक फाउंडेशन है, उसके अंदर बेसिकली ये तमाम चीज़ें आपके पास अपडेटेड फॉर्म में मौजूद है. आप अपनी केमिस्ट्री देखें तो ये इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है बच्चे. तो बहरहाल एटम के दो पार्ट्स की हम बात कर रहे थे बेटा. एक आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है और एक आपके पास न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है बेटा. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन ओनली द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स. अभी हम जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, एक स्ट्रक्चर भी मैं ड्रा करके आपको समझा दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, while the nuclear part contain nucleus of an atom. एक बात याद रखिएगा बच्चे,
जो न्यूक्लियर पार्ट है उस न्यूक्लियर पार्ट के अंदर याद रखिएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। क्या होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटम। व्हाइल अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, जैसे यार न्यूक्लियो जो आपका न्यूक्लियर पार्ट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा बेटा जो न्यूक्लियर पार्ट है दे कंटेन न्यूक्लियॉन्स। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या चीज है मैं आपको बता दूंगा, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है बच्चे। और याद रखिएगा जो न्यूक्लियॉन्स है इसमें हम दो मेजर पार्ट्स को देखेंगे। न्यूक्लियॉन्स में आपके पास एक चीज आपके पास आ जाएगी बेटा, नजर आ रहा है आपको? ये मैं इसको नीचे लिख देता हूं। चले, जो न्यूक्लियॉन्स है वो बेसिकली आपके पास दो मेन पोर्शन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद रखिएगा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, दैट इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है बच्चे। और जो न्यूट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है एटॉमिक मैस, एक मैस जिसको हम सिंपल A से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर है बेटा A, अल्फाबेट A से। जी जी बिल्कुल। अब आप जरा गौर से देखिए बेटा जरा यहां पे कि जो आपके पास न्यूक्लियॉन्स है दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चे। और प्रोटॉन को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे 9th क्लास में आप पढ़ के आए बेटा। और याद रखिएगा इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? मैस ऑफ एन एटम कहेंगे, ठीक है बेटा, मैस ऑफ एन एटम कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है, एक बात याद रखिएगा बेटा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताने लगा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर नाउन एज फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर दी फंडामेंटल पार्टिकल, में एफ पी से लिख रहा हूं, फंडामेंटल पार्टिकल। एज वेल एज जो प्रोटॉन है दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो फंडामेंटल पार्टिकल। जी बच्चे ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहां तक? जो न्यूट्रॉन है उसको भी फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे और जो प्रोटॉन है उसको भी फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे और इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखनी है बेटा कि इलेक्ट्रॉन को हम याद रखिएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। वाइल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चे। जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल के अलावा एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल एंड द फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है बच्चे। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन करूंगा, जरा गौर से मेरी बात आप सुनना है। एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल्स है बेटा जो मजीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर ना बना हो, मतलब आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। वो तमाम पार्टिकल जो मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड ना हो दैट इज नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल, या वो तमाम पार्टिकल जिसके अंदर कोई और स्मॉलेस्ट यूनिट ना हो जिनसे मिलकर वो बना हो दैट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल। उनको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री पार्टिकल कहेंगे। बैटरी चेंज कर दे। अच्छा जी, तो इनको हम क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक हो गया बच्चे, बात क्लियर हो गई बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल किसे कहेंगे बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, जो हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, नॉट डिकम्पोज। मैं सिंपल यहां पर पॉइंट बना रहा हूं, डिकम्पोज, जो आप डिकम्पोज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को आप मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो क्या है बेटा? याद रखिएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर एटम की बेसिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हो। याद रखिएगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स है जिनके ऊपर एटम की बेसिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हो, या इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एटम, ठीक है बच्चे। अभी ये बैटरी चेंज हो रहा है बेटा, बस जस्ट आप 2-3 सेकंड वेट कीजिएगा, इसके बाद फिर सर कैन यू प्लीज मूव। अच्छा बच्चे, मूव कर रहा हूँ।
मैं अभी थोड़ी देर बाद में मूव करूंगा, अभी मैंने इसको लिखने बैठा इसी बात, अभी जब आप काफी शॉर्ट लेंगे तो फिर मैं इसको रेस करूंगा, इससे पहले रेस नहीं करूंगा, ठीक है बेटा, आप परेशान ना हो जी। अच्छा मैं बता रहा था बेटा आपको कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स है जो डिकम्पोज ना हो सके, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल है लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके पास क्या है बेटा, ये मजीद डिवाइड हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने इलेक्ट्रॉन को भी फंडामेंटल पार्टिकल कह दिया, प्रोटॉन को भी कह दिया, न्यूट्रॉन को भी कह दिया, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को आपने एलिमेंट्री पार्टिकल कहा, बाकी दोनों को एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कहा। अब आपने जब फंडामेंटल पार्टिकल की बात की तो आपने ये भी कहा कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, वो ब्रेक हो सकते हैं। अब यहां पे एक बात आपने कंफ्यूज नहीं करना बेटा, वो यहां पे ये है कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल की डेफिनेशन जरा याद रखिएगा कि वो पार्टिकल है जिसके ऊपर एटम की बेसिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हो, ठीक है बेटा, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी एटम को बनाने में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है दैट इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है बच्चे। और फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी, इट मींस कि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजीद ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन को मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहेंगे एज वेल एज फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे। अब फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एटम की बेसिक प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करती है, लाइक रिएक्टिविटी, एटम की रिएक्शन कौन डिटरमिन करेगा बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज हो, दैट वुड ओनली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एटम की, बेसिक प्रॉपर्टी है ना बेटा ये, तो वो केमिकल रिएक्शन बेसिकली डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सिमिलरली अगर हम मैस की बात करें, जाहिर बात है हर एटम का कोई ना कोई मैस है, ठीक है बच्चे, वो मैस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो एटम की बेसिक प्रॉपर्टी जिनके ऊपर डिपेंड कर रही है उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे। और जो फंडामेंटल पार्टिकल, जो फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल जो मजीद डिवाइड ना हो सके, दैट पार्टिकल इज टू बी नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल। एक और एलिमेंट्री पार्टिकल भी है एटम के अंदर, द एलिमेंट्री पार्टिकल इज, मैं इसको यही पे ही लिख देता हूं बेटा, एक और पार्टिकल भी है जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहेंगे, दैट इज, आप नाम पहले कभी सुना हो बेटा, आई थिंक सो कि आप लोग मॉडर्न केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको याद होना चाहिए, दैट इज क्वार्क्स, क्वार्क्स, ठीक है बच्चे। क्वार्क्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, क्वार्क से स्मॉल पार्टिकल कोई भी नहीं है आज तक डिस्कवर नहीं हो सका, क्वार्क से स्मॉलेस्ट पार्टिकल अब तक नहीं आ सका, ठीक है बच्चे। बाकी आपके पास इलेक्ट्रॉन भी मजीद पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ, जो आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं बता के चलता हूं बेटा, जो न्यूट्रॉन है दैट इज मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स, तीन क्वार्क्स से मिलकर एक न्यूट्रॉन बनता है, तीन क्वार्क्स से मिलकर एक न्यूट्रॉन बनता है बेटा, जिसमें भी दो टाइप्स है, अप एंड डाउन, ठीक है, दो डाउन और एक अप जो क्वार्क है उससे मिलके एक न्यूट्रॉन बनता है। अभी आगे जब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो जाएंगे तो हम वहां पे मजीद इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप फ्री न्यूट्रॉन को डिके करें तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ में न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल इसमें भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या तीन ही सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो इसका आंसर है नहीं। याद रखिएगा बेटा, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें, उसके अंदर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो कन्फर्म है, बाकी जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर कहते हैं कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जिसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यहां पे मैं पॉइंट भी ऐड कर देता हूं बेटा कि दैट इज कि आप यहां पे कह सकते हैं कि भाई मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लाइक अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल हमारे पास इसमें आ जाएंगे बच्चे, दैट इज हम इसमें कह सकते हैं बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हो गया, इसके बाद मीजोन, हाइप्रॉन, न्यूट्रिनो, अच्छा एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है बच्चे, इस तरह के जो है और भी बहुत सारे मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, हम यहां पे एक्सेट्रा कर देते हैं, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, मौजूद है।
ठीक है बच्चे। और आप यहाँ पे इनको फंडामेंटल पार्टिकल क्यों नहीं कहेंगे या एलिमेंट्री पार्टिकल क्यों नहीं कहेंगे, इसकी वजह यह है कि अभी तक इनके ऊपर रिसर्च चल रही है, मतलब अभी इनके ऊपर काम हो रहा है। हो सकता है मुस्तकबिल करीब में, या हो सकता है 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है किसी भी वक्त इन फ्यूचर कि और भी पार्टिकल्स यहाँ से डिस्कवर हो जाए, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ से डिस्कवर हो जाए जिनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी की गई हो। तो ऑब्वियसली हो सकता है वो फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल हो, बट इनके ऊपर अभी मजीद रिसर्च चल रही है, रिसर्च वगैरह आज कंटिन्यू है, मजीद इनकी प्रॉपर्टीज़ अभी आ रहे हैं। ठीक है बेटा, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि इसके कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई है और मजीद कर रहे हैं, तो मतलब इनके ऊपर रिसर्च कंटिन्यू है। और यहाँ पर आपने बात याद रखनी है, तो मतलब यहाँ पर मॉडर्न कंसेप्ट को बताने का मकसद ये था कि पुराने जमाने में एटम, जो वर्ड एटम है ना, बेसिकली ये जो एटम वर्ड है, दिस इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज एटमोस। ये किससे निकला है बेटा? एटमोस से निकला है। अब एटमोस किसे कहते हैं बेटा? एटमोस मींस इनडिविजिबल, वो पार्टिकल जो ब्रेक ना हो सके, दैट इज नोन एज इनडिविजिबल। पुराने जमाने में एटम को डेमोक्रेटस ने नाम दिया था, डेमोक्रेटस उस बंदे का नाम था जिसने एटम को नाम दिया था बेटा, उसने एटम को एटमोस से डिराइव किया था। और इसका मतलब क्या है बेटा? इनडिविजिबल। लेकिन बाद में मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि भाई आप एटम को मजीद ब्रेक कर सकते हैं, और एटम के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद है, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है न्यूक्लियस के गिर्द, दैट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जी बेटा शबाना, क्या कह रहे हो आप? रिपीट कर दूं? जी बच्चे, आप लोगों को समझ आया बेटा मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया है? सर प्लीज ब्रीफ। जी बच्चे, आप लेक्चर को बाद में दोबारा भी देख सकते हैं बेटा, अभी मैं इसके ऊपर टाइम इतना वेस्ट नहीं कर सकता। अगर आप में से किसी ने स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं जरा साइड पे हो रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लें, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप कर सकते हैं। जी मेरे बच्चे, अगर किसी को कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, क्लियर हो गया तो भी ताकि मुझे बता दें, ताकि मैं इसको आगे लेके चलूं। बेटा आपने, मैंने आपको कल भी कहा था कि आपने हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपने अंडरस्टैंड करते हुए जाना है, कोई भी कंसेप्ट को आपने नहीं छोड़ना। सर मैं लेक्चर दोबारा देख, ठीक है बेटा शबाना, बेटा आप बाद में देख लेना। ठीक है बच्चे, तो मेरे ख्याल है मॉडर्न कंसेप्ट आपको एटम के बारे में पता चल गया बेटा। अब अगर कहीं किसी कभी भी जिंदगी में कहीं पे भी आपसे कोई इस तरह एटम के हवाले से क्वेश्चन करे, कोई बात आपसे पूछे, तो आई थिंक सो कि यू आर एबल टू आंसर दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपको वो करेंगे। ठीक है बच्चे, मुझे उम्मीद है आप लोग बड़े जीनियस बच्चे हैं, सारे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेके आप लोग क्वेश्चन क्या करें बेटा। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि भाई आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। ठीक है बेटा, आप, मैंने आपको ये भी कहा था कि केमिस्ट्री जो आपके फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है वो टोटली डिपेंड करती है आपके टीचर के ऊपर, और टीचर से मुराद ये है कि आप जब जितना क्वेश्चन करेंगे टीचर आपको उतने ज़्यादा मेहनत से पढ़ाएंगे, आप जितना क्वेश्चन करेंगे टीचर आपको और ज़्यादा उसको कंसेप्चुअल, आपको आपकी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आपको पेपर में चाहे जिस तरह मर्जी वो लोग क्वेश्चन को घुमा के मॉडिफाई करके पूछ लें, आप आंसर कर सकेंगे क्योंकि आपको समझ आ गई होगी। मतलब इस तरह से है कि भाई मुझे कोई मेरा नाम पूछे, मुझे व्हाट इज़ योर नेम, तो मुझे अगर वो क्वेश्चन ही समझना है तो मैं आंसर कैसे कर सकूँगा? अगर वो मुझे कहे व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं अपने इलाके का नाम बता दूँ, मैं अपने वाले साहब का नाम बता दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये जाहिर बात है, जब मैंने क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं किया तो मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं आंसर करना चाहूँ तो मैं आंसर तब कर पाऊँगा जब मुझे क्वेश्चन समझ आए। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपने याद रखनी है, जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। जी बेटा सर, जी बेटा टेस्ट भी होना है आपका डेली बेस पे जो आपका लेक्चर हुआ करेगा, उन लेक्चर से रिलेटेड मैं 2 MCQs आपसे रोजाना टेस्ट के तौर पे यहाँ पे लाइव लिया करूँगा, आपका लाइव टेस्ट होगा, आपने लाइव अटेम्प्ट करना है, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिलेगा, विद इन द सेकेंड्स आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर ये सारे ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम होगा, आपने उसी टाइम पे आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने क्या करना है बच्चे, अपना रिजल्ट भी देखना है। ठीक है बेटा, आप अपने रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। साथ साथ आपका टेस्ट भी होगा बेटा डेली बेस पे, 2 MCQs, बाकी फिर मंथली टेस्ट वगैरह। जी बेटा, हर लेक्चर के बाद 2 ही MCQs हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ताकि आपका क्लियर हो जाए। जी शवाना बेटा, क्या कह रहे हो बेटा आप? क्वेश्चन मार्क देख लिया आपका, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं देखा आपका। जी हाँ जी, अब हम जरा डिस्कस करते हैं
आज का आपका जो लेक्चर था या लेक्चर है अभी जो पढ़ाना है मैंने, दैट इज अबाउट स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री बेटा याद रखिएगा फर्स्ट चैप्टर। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया था बेटा, कल एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था उस पे यूट्यूब पे, जो उसने कमेंट किया हुआ था कि सिलेबस चेंज हो गया, आप ओल्ड सिलेबस पढ़ा रहे हैं। बेटा वो जो भी है या सुन रहे हैं अभी मेरी बात, अगर उस तक पहुंच रही है तो बेटा मुझे आप एक बात बताएं कि आपके पास जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स ना हो ना तो ऐसी बातें ना किया करें। यहाँ पे बेवकूफ़ लोग नहीं बैठे हुए, जाहिर बात है बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि भाई हमने आपको किस तरह लेके जाना है और कौन सा सिलेबस आजकल अपडेटेड है। आप फेडरल बोर्ड की साइट पर जाकर चेक करें, आपको वहाँ पर भी यही बुक मिलेगी। और इतनी आसानी से फेडरल बोर्ड अपनी जो है सिलेबस चेंज नहीं करते, ठीक है बेटा। अगर वो चेंज करें तो वो पहले ही नोटिस भेज देते हैं, इसके बाद जाके फिर वो चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको यहाँ पे वैसे मुंह उठा के आके आपको पढ़ा रहे हैं। हमारे पास हर चीज़ का रिसर्च है, ठीक है बच्चे। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है तो आप लाके मुझे दिखा दें, फिर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है बच्चे। अदरवाइज जी मैं, मुझे पता है बेटा शवाना यही आपका सिलेबस है, ठीक है ना, मैं खुद पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे पता है। अच्छा जी, स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री किसे कहेंगे बच्चे जी? स्टोइकोमेट्री याद रखिएगा बेटा कि स्टोइकोमेट्री इज द ग्रीक वर्ड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। स्टोइकोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज स्टोइकियन, स्टोइकियन एंड द अदर वर्ड इज द मेट्रोन, ठीक है बच्चे। स्टोइकियन ग्रीक वर्ड लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में किसे कहते हैं बेटा? एलिमेंट को कहते हैं, एलिमेंट को कहते हैं। और मेट्रोन किसे कहते हैं बेटा? मेट्रोन इज द मेजरमेंट। किसको कहते हैं बेटा? मेजरमेंट को। तो याद रखिएगा स्टोइकोमेट्री का अगर हम लफ्जी मतलब एक्यूरेट मीनिंग देखें तो क्या होगा बेटा? मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट, मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट को हम क्या कहेंगे बच्चे? स्टोइकोमेट्री कहेंगे, ठीक है। स्टोइको मीन्स एलिमेंट एंड द मेट्रोन मीन्स क्या है बच्चे? यार ये वीडियो क्यों स्टॉप हो गया? वीडियो स्टॉप क्यों हो गया बेटा? आप लोगों को वीडियो आ रही है बेटा? चेक कर यार, जी आ रहे बेटा वीडियो आपको शो हो रहा है ना मेरे ख्याल? हाँ जी शो हो रहा है, ठीक है। सॉरी बेटा मैं जरा वो नहीं देख रहा था, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। और एक और बात याद रखिएगा बेटा, जो स्टोइकोमेट्री है इट इज ऑल्सो नाउन एज क्वांटिटेटिव साइंस। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव साइंस है। हम क्या करते हैं बेटा, मैं जरा डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन दैट इज नाउन एज स्टोइकोमेट्री बेटा। यहां से आगे हम कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां पे मेरे ख्याल है टाइम खत्म हो गया है। अभी आपका टेस्ट होगा, जल्दी से आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें बेटा। या जरा टेस्ट शुरू कर, अभी आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा बेटा टेस्ट, आप जरा जल्दी से टेस्ट दे दें। इसके बाद आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे बेटा क्योंकि टाइम हो गया है। कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे सर जी। उनको बुलाए ना फिर आप जाके। जी जी बेटा मैं अभी। अच्छा बेटा आपके सामने टेस्ट शो हो जाएंगे बेटा, अगर किसी को टेस्ट शो ना हो तो आप लोग अपने पेज को रिफ्रेश करें और स्टार्ट द टेस्ट कर दें तो आपको टेस्ट शो हो जाएंगे, ठीक है बेटा। किसी को अगर टेस्ट शो ना हो तो पेज को रिफ्रेश करें और स्टार्ट द टेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चे। आपको टेस्ट आपके सामने बस सिर्फ एक दो क्यों
ठीक है बेटा, चले आपका टेस्ट मैं कल साथ ले लूँगा बेटा, आज टाइम ख़त्म हो गया इसलिए यहाँ पे टाइम आउट हो रहा है। तो इंशाल्लाह बेटा कल फिर इसी टाइम पे मुलाकात होगी बेटा। अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।